जिला डेरा गाजी खां में कौमी पोलियो मुहिम 30 नवंबर से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज़ की जानिब से जिले इंतजाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक्कद करके तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला डेरा गाजी खां के 5 साल तक के 6,97,578 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो मुहिम में 1611 मोबाइल, 97 फिक्स्ड, 47 ट्रांजिट समेत 1775 टीमें काम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम में कोताही और अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेरा गाजी खां 3 सूबों के सरहदी मुकाम पर होने से इंतहाई हसास इजला में शामिल है। सर्दियों में पहाड़ों से नकल मकानी शुरू हो जाती है, इसलिए मुहिम के दौरान जिला के दाखिली और खारजी मुकाम को सील करके हर टारगेट बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाकर जिली हदूद में दाखिल होने दिया जाए। खाना बदोश बस्तियों और बच्चों को बाकायदा रिकॉर्ड मरतब करने के साथ मुतलका महकमे उनकी नकलो हरकत पर नजर रखें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ट्रांजिट साइट, दरबार, जनरल बस स्टैंड और दीगर मसरूफ मुकाम पर मुतहरक टीमें तैनात की जाएं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2400 से ज्यादा अफरादी कुवत मुहिम में हिस्सा लेगी। टीमों की तरबियत और माइक्रो प्लान तरतीब दे दिया गया है। मुहिम के दौरान टीमों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी।